आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही सही पढ़ा है और सही देखा भी है, क्योंकि जो अब बीसीसीआई के नए नियम आए हैं, न्यू रूल्स आए हैं, उनके अकॉर्डिंग महेंद्र सिंह धोनी की समस्याएं अब बढ़ने वाली हैं। और बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल भी इसीलिए दिया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की फेक फील्डिंग की। जी हाँ दोस्तों, आपने भी बहुत से कैचेस, बहुत सी फील्डिंग्स ऐसी देखी होंगी महेंद्र सिंह धोनी की, जिसमें वो बैट्समैन को चकमा देने के लिए ऐसा करते हैं ताकि बैट्समैन को लगे कि बॉल उनके हाथ में है या बॉल उनके पास आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे बैट्समैन को लगे कि बॉल उनके हाथ में आ रही है, और जिस कारण से बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी की साइड दौड़ते हुए अपनी स्पीड को ज्यादा फास्ट नहीं करता है, लेकिन बॉल महेंद्र सिंह धोनी के हाथों की ओर नहीं बल्कि सीधा स्टंप्स पर जाती है और बैट्समैन को पता भी नहीं चलता कि कब वो रन आउट हो गया है। तो दोस्तों बीसीसीआई ने अब इस हरकत पर बैन लगा दिया है और जो भी टीम ऐसा करती पाई जाएगी उसे अच्छा खासा जुर्माना भरना होगा। बीसीसीआई के 41.5 लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेयर अगर ऐसा करता पाया गया तो उसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? आई नो आपको भी ये न्यूज़ खराब लगी होगी, लेकिन बीसीसीआई के इस नियम को अपोज करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए और महेंद्र सिंह धोनी के लिए आप इस वीडियो पर 5000 लाइक्स दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग क्वालिटी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आर्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।